हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बायोलॉजी का प्लान मैक्रो वाला पढ़ाने जा रहा हूं मैं। और माइक्रो प्लान भी प्लेलिस्ट में है आपके, बायोलॉजी के और फिजिकल साइंस के भी, बीएड से संबंधित बहुत सारा मैटर है। बस प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से समाधान पाइएगा। तो आज पढ़ाते हैं आपको बायोलॉजी का प्लान, इसका टॉपिक है विटामिन। ठीक है, सभी प्लान सभी कॉलेजों में सभी यूनिवर्सिटी में लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये एनसीटी के नियमानुसार ही बनाए जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ अलग हो उसमें एडजस्ट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये विषय यहां डला हुआ तो किसी का विषय कहीं हो जाए, लेकिन मानकों के अनुसार ये सब कुछ यही होना चाहिए। आगे आपका जैसे कॉलेज अलाउ करे वैसे कीजिएगा। क्लास, कालांश, अवधि और टॉपिक विटामिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्लान बनाना। हमारा उद्देश्य केवल प्लान बनाने से संबंधित है और मैं आपको इस तरह से एक प्लान बनाना सिखाई दे रहा हूं कि आप हजार टॉपिक पे प्लान बना लेंगे। और इतना सब समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी आपको, ये कि आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना है। ये 20 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, तो इनको छोड़िएगा मत, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे विषय से संबंधित होते हैं, और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आपके टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो जनरल उद्देश्य आपको बुक में भी मिल जाएंगे, करीब 30-40 दिए होंगे जरूर। तो उनमें से जो भी आपको सटीक लगे वो उनको आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने विषय के अकॉर्डिंग, अपने जैसा आप चाहते हैं, जो उद्देश्य बच्चों को देना चाहते हैं वो अपना नोट कर सकते हैं। तो पहला है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत उत्पन्न करना, छात्रों में विचार शक्ति का विकास करना, छात्रों में स्व अनुशासन का विकास करना। ठीक, और जो दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेसिफिक, ये हो जाएंगे आपके टॉपिक विटामिन से संबंधित। तो छात्र विटामिन के बारे में समझ सकेंगे, छात्र विटामिन के स्रोतों के बारे में जान सकेंगे, छात्र विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, शिक्षण सामग्री आप जो भी चार्ट मॉडल बना रहे हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। और फिर आती है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो ये छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। विशिष्ट रखेंगे तो फिर आप उनको पढ़ाएंगे क्या? थोड़ी सी जानकारी बच्चों के पास मौजूद है कि कुछ विटामिन नाम का कोई चीज होती है, विटामिन कुछ होते हैं, बाकी डिटेल आज आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आपको पूछना है ये प्रश्न, साथ साथ चाहें तो आप स्क्रीन शॉट भी लेते रहें एक एक पार्ट का, और उसके बाद फिर आपको पूरा अभी समझाना है। ये प्रस्तावना प्रश्न आपने पूछने हैं, तो हम कौन कौन से फल खाते हैं? तो छात्र जवाब देंगे आम, संतरा, पपीता, गाजर। ठीक, गाजर हालांकि सब्जी में भी यूज होता है लेकिन फल में इसलिए है क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं। आम, संतरा, पपीता में से पीले नारंगी फल कौन से होते हैं? अब बच्चे कहेंगे संतरा, टमाटर। टमाटर, संतरा, गाजर आदि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? छात्र निरुत्तर। ये समस्यात्मक प्रश्न हुआ छात्रों के लिए। ठीक, फिर आपको ये कहना है कि छात्रों आज हम विटामिन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाठ्य सामग्री को अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से 3 शिक्षण बिंदुओं में बांटा गया है। अब 3 शिक्षण बिंदुओं के लिए हम आगे चलते हैं। और ये प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, ये मैंने प्रस्तावना के लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ आपके लिए बायोलॉजी का, तो उसको भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूं कि किस तरह से क्या होता है। जो भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान के चलो ये है। और पूर्व ज्ञान कहाँ होगा बच्चों का? उससे पहले, ये एक दीवार लगी हुई है समझ लो। ठीक है, पूर्व ज्ञान इससे पहले होगा। तो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हमने 3-4 प्रश्न जो अभी अभी पूछे हैं, वो 4 प्रश्न पूछने के बाद ही तो हम टॉपिक पर आए हैं। तो अब टॉपिक पे आ गया विटामिन का, तो अब विटामिन का अध्ययन करेंगे। विटामिन के अंदर से प्रश्न नहीं पूछना है, जो उसके अंदर पढ़ाना है उसमें से प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि वो तो पाठ हमने अभी टच किया ही नहीं है। हम तो उनके पूर्व ज्ञान में से प्रश्न ले रहे हैं। तो जो अभी अभी आपने देखा है ये सभी प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित ही हैं। अब देखिए ये अगले पेज का मैटर है, और अगले पेज पर दोनों पेज साथ साथ चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा कैमरे को मैंने ये करना पड़ा है, इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा। अगर आपको जूम करके दिखाया जाए तो फिर ये दोनों पेज एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आप समझिए, क्योंकि ये मैटर यहां से यहां तक पूरा एक चलेगा दोनों पेज पर, इस पेज पर भी और इस पेज पर भी। तो थोड़ा सा आप सहयोग करें मेरा, थोड़ा सा रिजोल्यूशन को 480 पे कर लीजिए। पिक्चर क्वालिटी जो होती है वीडियो की, वो ऊपर 3 डॉट लगे हुए हैं, वहां से आप जा सकते हैं, सब समझदार हैं, कर ही लेंगे।
तो हम जब अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से हमने तीन भागों में बांटा है, तो इसको विटामिन का सामान्य परिचय हम इस पार्ट में रखेंगे, और दूसरे पार्ट में हमने रखा हुआ है विटामिन के स्रोत, और तीसरे पार्ट में हम रखेंगे विटामिन के कार्य एवं रोग। तो इस तरह से हम अभी पढ़ाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से बने रहिएगा, कोई भी एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो विटामिन का सामान्य परिचय आप पढ़ा रहे हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा? छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब जो भी आप प्रश्न अपने पिछले पूछे हैं, अभी प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद एक विकासात्मक प्रश्न, पाठ के विकास से संबंधित, पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने हैं, अभी भी पाठ से नहीं है लेकिन पाठ से संबंधित है ये प्रश्न। अब उनको थोड़ा सा समझाना है यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। छात्र जवाब देंगे रतौंधी। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या आवश्यक है? छात्र निरुत्तर, प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों भी बना सकते हैं, बस इंग्लिश वालों को सारा मैटर इंग्लिश में करना है, वो कन्वर्ट कर लेंगे। विशेष चीजें मैं आपको बता ही दे रहा हूं। इसके बाद जब आप यहां पे समस्यात्मक आ गया, छात्र निरुत्तर हो गए, फिर आपका दायित्व बनता है यहां स्पष्टीकरण व्याख्या देने का। अब व्याख्या कैसे देनी है इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूं, ऐसे देखिए आराम से। आप शरीर के निर्माण एवं संचालन में विटामिन आवश्यक नहीं है, परंतु शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक, फिर ए बी सी डी ई और के, जिनका विभाजन निम्न प्रकार है। ये कुछ जल में घुलनशील होती हैं, कौन कौन सी? ए डी ई के, और कुछ वसा में घुलनशील होती हैं, विटामिन बी और सी। फिर इस प्रकार विटामिन को विभाजित किया गया है। बस इतना सारा स्पष्टीकरण दीजिए और उसके बाद देखिए छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे अपनी अपनी नोट पुस्तिका में। ये व्याख्यान प्रविधि हो जाए, व्याख्यान विधि हो जाएगी, और ये श्यामपट सारांश होगा। तो श्यामपट सारांश में आपको ये इतना वाला मैटर पूरा नहीं लिखना होता, केवल सारांश लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं आपको। तो वो आप जो इसमें से लिखे हुए हैं इसी तरह से आप अपने टॉपिक का लिख दीजिए, बना दीजिए। विटामिन को दो भाग में विभाजित किया गया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, कौन कौन सी, उनका नाम दिया। अब इतना सारा मैटर जो अभी अभी हमने पढ़ाया है, छात्रों से दायित्व बनता है कि इस मैटर का थोड़ा सा उनसे बोध ले लिया जाए, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस ले लिए जाए उनसे। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विटामिन बी किस में घुलनशील होता है, और दूसरा क्वेश्चन है विटामिन के किस में घुलनशील होता है, ठीक। ये दो प्रश्न पूछिएगा और ये पार्ट आपका पहला कंप्लीट होता है यहां पर। अब इस पार्ट में आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आपको एक मिनट और समझा देता हूं कि आपने यहां पर टॉपिक लिखा, अब दिख रहा होगा विटामिन का सामान्य परिचय, उनसे संबंधित क्या आपका ऑब्जेक्ट है कि छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ विकासात्मक प्रश्न आपने पूछे, बच्चों ने उत्तर दिया, प्रश्नोत्तर प्रविधि हुई, ये स्पष्टीकरण व्याख्या दी आपने पूरी, और छात्र यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड का वर्क किया, और ये नीचे बोध प्रश्न लिए, और ऊपर इवेल्यूशन में कुछ नहीं होना है, बस यही आके होना है। तो जिस तरह से ये पहला पेज बना हुआ है उसी तरह से हम अगले और अगले, मतलब दो पेज और तैयार करने हैं आपको, लेकिन वो किस तरह से होंगे ये देखिए। इस प्लान को मैं बड़ी अच्छी तरह से आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरह से आप भी इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये प्लान पूरा ढंग से समझ लिया तो आपको कोई वीडियो, कोई किताब, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप टॉपिक देखिएगा और बुक सामने रखिएगा और उसी का पूरा मैक्रो प्लान तैयार हो जाएगा आपका। अब दूसरा टॉपिक देखिएगा इसी का, दूसरे पेज पर जो दूसरा पार्ट है विटामिन के स्रोत, ठीक है, कंटेंट ऊपर लिखा जाता है, उसके आगे फिर उसका पूरा डिटेल है। अब कोई कंटेंट यहां समाप्त हो रहा है तो उसका यहां पे, लेकिन हमने ये पूरा एक पेज का ही रखा है और इतना ही रखना है और इतना ही आप भी रखिएगा। छात्र विटामिन के स्रोतों को समझ सकेंगे, फिर पिछले बार की तरह विकासात्मक प्रश्न, विटामिन्स को किस आधार पर विभाजित किया गया है, बोले जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के स्रोत क्या होते हैं, फिर छात्र निरुत्तर, और फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब फिर इसका स्पष्टीकरण यहां से दीजिएगा, फिर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं। विटामिन के स्रोत निम्न है,
विटामिन ए कहाँ मिलेगा? मछली में, अंडे में, दूध, दही, संतरा, गाजर, पपीता, हरी सब्जियां। विटामिन डी कहाँ मिलेगा? सूर्य का प्रकाश, अंडे का पीला भाग और मक्खन में। और विटामिन ई तले, दालें, पालक, अंकुरित दाल और गाजर। विटामिन ई सलाद, हरी सब्जी, पत्ता गोभी, मटर, पालक। ठीक। विटामिन बी कहाँ मिलेगा? चावल और अनाजों में। सी कहाँ मिलेगा? आंवला, नींबू, अमरूद, टमाटर, अंकुरित चने में। तो इस तरह से आपने पूरा स्पष्टीकरण व्याख्या दिया, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और ये हुआ आपका व्याख्यान विधि। ये प्रविधि नहीं है, ये विधि है। और प्रश्नोत्तर विधि नहीं, ये प्रविधि है, ध्यान रखना। वादवा की डिटेल आप समझदार हैं, अपनी अपनी बुक से भी नोट करेंगे। और जो आपने स्पष्टीकरण यहाँ दिया है उसी का यहाँ पे श्यामपट का सारांश देना है। ठीक है, जो भी आपको इसमें से तो ये दिया ही है, जो भी आपका टॉपिक हो आप अपने हिसाब से तैयार करेंगे। और फिर यहाँ पे इधर पिछले बार की तरह दो प्रश्न लेंगे कि विटामिन डी का स्रोत क्या है और विटामिन सी के स्रोत क्या है। और फिर चलिए अगले पेज पर, विटामिन के कार्य और रोग। ये हमारा तीसरा पार्ट है इसी का, तीन भागों में विभाजित किया था हमने पहले पेज पे, आपको बताया था। छात्र विटामिन के कार्य और रोगों को समझ सकेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। और फिर विकासात्मक प्रश्न हमने लिए। और क्या है विकासात्मक प्रश्न? विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है? तो उसने कहा सलाद, हरी सब्जी, पत्ता गोभी, पालक और मटर। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? छात्र ने तो किसी भी के बारे में, रोग के बारे में बताना है तो किसी भी विटामिन से संबंधित आप यहाँ पर बता सकते हैं। और ये फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा एक पार्ट चलता है। आगे मूल्यांकन में नीचे जाके प्रश्न होगा, पहले की तरह से जैसे आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह से श्यामपट सारांश इधर आएगा। अब इसकी फिर व्याख्या करते हैं। छात्रों उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ आ रहा होगा और मेरी मेहनत आपके काम आ जाए, ये सबसे अच्छी बात है। माइक्रो के प्लान भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा खोजना होगा प्लेलिस्ट में। सीधा लिखा हुआ है माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजिकल साइंस और माइक्रो फिजिकल साइंस, ये सब अलग अलग है। तो वहां पे आपको पांच पांच सात सात प्लान आपको दिए गए हैं अलग अलग स्किल के, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिए तो आपको पूरा डिटेल एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ने से संबंधित अगर 10-20 मिनट अगर आपके कहीं खर्च होते हैं तो ये मैं समझता हूं कि वो काम आते हैं। तो स्पष्टीकरण व्याख्या दीजिए इनके। विटामिन के कार्य रोग निम्न प्रकार हैं। विटामिन ए वो क्या काम करती है? त्वचा, स्लेस्मिक, झिल्ली, आंखों के लिए रोग, रतौंधि में। यहां शॉर्ट में ही देना है, ज्यादा डिटेल नहीं देना है। बाद बाकी डिटेल आप उनको पढ़ाते समय समझा सकते हैं जितना मर्जी आप चाहेंगे। यहां तो केवल लिखने के लिए आप शॉर्ट शॉर्ट भाषा में जितना हो सकता है उतना लिखिए। अब आता है विटामिन डी का, हड्डियों को मजबूत करना, रोग क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ई लाल रक्त कणिकाओं में, रोग क्या हो? संतान उत्पत्ति में अवरोध है। विटामिन के रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन बी में भूख बढ़ाने में, पाचन क्रिया में, मानसिक संतुलन बनाने में। और विटामिन सी कहाँ है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, और इस विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ये छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। और ये व्याख्यान विधि हो जाएगी यहाँ पर, और इसका फिर श्यामपट का सारांश देना है पूरा आराम से। तो जो यहाँ पर लिया है उसी में से आप यहाँ श्यामपट सारांश देंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए से रतौंधि, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और ई से बांझपन, और विटामिन के से रक्त का थक्का ना जमना। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए इस तरह से, ये लीजिए, क्लियर। और उसके बाद फिर आप लोगों को लेने हैं इधर से ये प्रश्न, ये बोध प्रश्न है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और विटामिन डी का हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है या क्या महत्व है? आप यहाँ कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से तीनों पार्ट यहाँ पर पूरे होते हैं। अब आते हैं लास्ट कंक्लूजन पेज पर। अब एक प्यूपिल टीचर ने इतना सारा पढ़ाया क्लास में तो पुनरावृत्ति प्रश्न तो जरूरी है ना, पूछा जाए ना उनसे कितना सीख लिया। तो छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकेगा, ये हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, पांच छह, तो इसमें कुछ रिक्त स्थान दे दीजिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे जवाब देंगे रतौंधि, और इसका भी प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा। तो ये रिक्त स्थान दिए, उसके बाद कुछ सत्य असत्य देते हैं। विटामिन छह प्रकार के होते हैं,
तो ये सत्य है असत्य है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये यहां बताना है उनको। और ये कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो नींबू, आंवला, अमरूद, ये सब प्रश्न लिखने, वो उत्तर लिखने हैं आपको। विटामिन बी और सी कैसे विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फिर यहां पर ये ग्रह कार्य बच्चों के लिए, छात्रों को अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा। तो ये क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताने हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे रखने हैं आपको। और छात्र गृह कार्य को अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे या लिखेंगे और निरीक्षण विधि हो जाएगी यहाँ पर। और फिर आपको करना क्या है, ये निरीक्षण विधि क्यों है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। निरीक्षण विधि इसलिए है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये चीज हमें रोलर बोर्ड पर लिखना है, पुनरावृत्ति प्रश्न, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, और ये गृह कार्य, ये दोनों लिखने हैं रोलर बोर्ड पर। सपोज कर लो ये रोलर बोर्ड है, आपने इसको हैंग किया यहां पर, और ये ऊपर पुनरावृत्ति प्रश्न और आधे में नीचे गृह कार्य। अब जब आप इनको यूज कर रहे होंगे तब आप इन गृह कार्य को किसी अखबार से, किसी पेपर से आप वहां ढक दीजिएगा, तो आपको ये ढके हुए रहेंगे, अन्यथा बच्चों का ध्यान इस पे न जाके इस पे रहेगा। और जब आप इनको कंप्लीट करें तब यहां पर इसका पेपर हटा दीजिए और इसको अनकवर कर दीजिए, और ये फिर आपको इनसे प्रश्न पूछिए। तो जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न उत्तर भी हो जाएगा और आपका निरीक्षण विधि भी हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये निरीक्षण विधि है। और ये इस तरह से आपका पूरा प्लान हो चुका है, प्लान को आपने ध्यान से अच्छी तरह से देख समझ लिया है। और इसी तरह आपको और भी प्लान मिल जाएंगे, फिजिकल साइंस के हैं, दूसरे हैं, बायोलॉजी के हैं, मैथ के हैं, सब कुछ मिलेगा आपको वीडियो पर। बस आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और अपना जो चाहिए वो वहां से ढूंढ लीजिए टॉपिक। चलिए छात्रों, फिर मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर हो सके, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन ये बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।